Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you are already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Play-based learning. Children are naturally motivated to play. If we introduce play-based learning, using the context for learning, children will be motivated to learn. Benefits of play-based learning: cognitive development, social-emotional development, physical development. To execute the play-based learning program, we visited a primary school and performed some activities. वर्ब गेसिंग गेम। सबसे पहले वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने बच्चों को फ्लैश कार्ड दिए जिनके ऊपर वर्ब्स बने हुए थे और उन वर्ब को एक बच्चे ने देख के दूसरे बच्चों को गेस करवाना था एक्टिंग करके। और इसका पर्पस ये था कि बच्चों को वर्ब्स की समझ आए कि डिफरेंट वर्ब्स क्या होते हैं और उनको हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। Match the emotions. फिर एक्टिविटी नंबर 2 में हम लोगों ने कुछ इमोजीज उनके प्रिंट आउट्स निकलवाए और उनके नाम भी अलग अलग प्रिंट करवाए और फिर हम लोगों ने बच्चों को बोला कि वो जो इमोजी है उसको उसके नाम के साथ मैच करें और उनको एक टाइम लिमिट दी। जिस बच्चे ने ज़्यादा जल्दी किया हम लोगों ने अंदर री इन्फोर्समेंट का फैक्टर भी ऐड किया और एंड में जो विनर्स थे उनको प्राइजेज भी दिए। और इसका पर्पज ये था कि बच्चे समझ सकें, उनको बेसिक अवेयरनेस मिल सके कि इमोशंस होते क्या हैं। और फिर जब उन बच्चों ने उनको मैच कर दिया तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि जब आप एक बेसिक इमोशन को फील करते हैं तो फिर आप लोग क्या करते हैं। आप लोग मैजिक पेपर साइंस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने एक प्लेट ली और उसके अंदर हम लोगों ने पानी डाला और फिर बच्चों को हमने कहा कि उसके अंदर ब्लैक पेपर डालें और फिर अपनी उंगली को डिश सोप के अंदर डिप करें। फिर उसी उंगली को उन्होंने उस प्लेट के अंदर डिप किया और क्या देखा कि जो ब्लैक पेपर के मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर हो गए। इस फन एक्टिविटीज ने ना हम लोगों ने बच्चों को सफाई का बताया कि अगर वो साबुन से हाथ धोएंगे तो जर्म्स दूर दूर भाग जाएंगे और इस चीज़ को उन लोगों ने बहुत पसंद किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। Summation and addition game. इस एक्टिविटी में हम लोगों ने एक मैथमेटिकल रूबिक्स क्यूब लिया और वो बच्चों को दिया और आसान सी समेशन और सब्ट्रैक्शन की इक्वेशंस दी ताकि वो उन्हें सॉल्व करें। इसका पर्पस ये था कि जो उनकी मैथमेटिकल स्किल्स हैं वो इनहेंस हो सके और वो जल्दी से इक्वेशंस को अपने माइंड में प्लेफुल तरीके से सॉल्व कर सके। Thank you.
लास्ट वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने कुछ स्टिकी नोट्स लिए और उनके ऊपर हमने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम्स मेंशन किए, और फिर हम लोग ने बच्चों को बोला कि वो उस बॉडी पार्ट को उसके ऊपर पेस्ट कर दें, और इस तरह उनको बॉडी पार्ट्स आसानी से याद हो गए। बॉडी पार्ट्स के नेम्स मेंशन किए, और फिर हम लोग ने बच्चों को बोला कि वो उस बॉडी पार्ट को उसके ऊपर पेस्ट कर दें, और इस तरह उनको बॉडी पार्ट्स आसानी से याद हो गए। लर्निंग को फन बनाया जाए, इससे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी।